नमस्कार मित्रों मैं जयेश गांधी हूं और इस सवेरा में आपका स्वागत है आज हम ऐसे ट्यूटोरियल की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी मदद से हमें माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो भी डेटा जनरेट होता है प्रोसेस होके उसको कैसे यूजर तक पहुंचाया जाए उसको कैसे डिस्प्ले किया जाए उसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये दो तीन ट्यूटोरियल का हमारा सेसन रहेगा जहाँ पे हम एलईडी और एलसीडी दोनों के इंटरफेसिंग के बारे में बात करेंगे और दोनों के बहुत ही ज़्यादा उपयोग माइक्रो कंट्रोलर डेटा को डिस्प्ले करने में होता है तो आइए शुरुआत करते हैं एलईडी डिस्प्ले से माइक्रो कंट्रोलर के बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिसको डेटा आउटपुट करना होता है और उसको एलईडी डिस्प्ले द्वारा डिस्प्ले किया जाना होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है न्यूमरिक डेटा कम्युनिकेशन के लिए सेवन सेगमेंट एल डिस्प्ले डिवाइस का उपयोग किया जाता है तो आइए ये देखते हैं सेवन सेगमेंट एल डिस्प्ले डिवाइस क्या होता है और उसको हम कैसे माइक्रो कंट्रोलर से जोड़ सकते हैं तो सबसे पहले हम सात एल ले, ले लेंगे यहाँ पे मैंने सात एल दिखाए हैं और आठवां जो है वो डी पी यहाँ पर लिखा हुआ है जो डेसीमल पॉइंट तो जब भी हम नंबर डिस्प्ले करते हैं तो डेसीमल पॉइंट की भी आवश्यकता होती है तो ये सेवन सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस में आठ एल होते हैं जिसमें से सात सेगमेंट्स होते हैं और आठवां जो है वो डेसिमल पॉइंट होता है तो पहला एलईडी इसको ए बोला जाता है और ये ये पर्टिकुलर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है ऊपर वाले को फिर बी तो राइट हैंड साइड पे ऊपर वाले को डिस इंडिकेट करता है सी राइट हैंड साइड के नीचे वाले को डी पूरे डिस्प्ले डिजिट के नीचे वाले को ई e, यहाँ पे, एफ यहाँ पे जी यहाँ पे और डेसिमल पॉइंट इसके पास में यहाँ पे होगा यहाँ पे हमने सब एलईडी का एनोड जो है वो कॉमन कर दिया है तो इसको कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और सेगमेंट्स का नाम है ए बी सी डी ई एफ जी और डेसिमल पॉइंट तो ये कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन का सेवन सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस का इंटरनल फॉर्मेट है इसको आगे देखते हैं तो इस तरह से इसको अरेंज किया जाता है तो सेगमेंट ए हुआ बी हुआ सी डी ई एफ और ये जी और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट तो इस तरह से सेवन सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस के एल को अरेंज किया जाता है अब जो भी एल जलेगा उसके हिसाब से नंबर डिस्प्ले होगा तो आइए देखते हैं कैसे नंबर्स डिस्प्ले होते हैं तो ये ज़ीरो में ये सब एल जलते हैं वन में ये दो जलते हैं टू में ये सब जलते हैं तो इस तरह से ज़ीरो से नाइन नंबर को कम्युनिकेट करने के लिए हम अलग अलग एल ई को ग्लो करके हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं तो कैसे ग्लो किया जाए कॉमन एनोड है तो हमने एनोड को वी से लगा दिया उसके हर एक सेगमेंट के आउटपुट के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जो कि 220 ओम का है रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करंट लिमिटिंग का है तो इसको 220 ओम के रेजिस्टेंस को हमने लगा दिया और यहाँ पे हमने आठ स्विच लगा दिए और इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया स्विच के दूसरे टर्मिनल को तो अगर ए को हम प्रेस करते हैं तो ए वाला सर्किट कंप्लीट होता है तो ए वाला एलईडी जलेगा बी को प्रेस करते हैं तो बी जलेगा सी को प्रेस करते हैं तो सी जलेगा और इस तरह से जितने भी एलईडी हमको जलाने हैं उतने हम स्विच को ऑन करके जला सकते हैं सपोज़ हमने सब स्विच को ऑन कर दिया तो नंबर आठ डिस्प्ले होगा और डेसिमल पॉइंट भी डिस्प्ले होगा अगर हमने बी और सी को ऑन कर दिया तो बी और सी जलेगा बाकी सब बंद रहेंगे तो नंबर वन डिस्प्ले होगा तो इस तरह से हर एक नंबर के लिए आपको अलग अलग बिट पैटर्न दे के इसको एल को जलाना होता है ये कॉमन एनोड हुआ वैसे ही कॉमन कैथोड भी होता है जहाँ पे कैथोड को कॉमन कर दिया जाता है और यहाँ से हम इनपुट जो है वो ग्राउंड की जगह पे वी सी सी देंगे तो वन देंगे तो जहाँ पे वन है वो एलईडी जलेगा आइए आगे, आगे देखते हैं तो आप इस एल से सिर्फ नंबर नहीं कुछ अल्फ़ाबेट्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं बहुत क्लियर नहीं होते लेकिन अपना काम वो कर लेते हैं तो यहाँ पे एक आर्डिनो डिस्प्ले किया हुआ आपके पास बोर्ड है ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए अब हम जो एल है उसको आर्डिनो के साथ जोड़ने की बात करेंगे और उसको जोड़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे उसको जोड़ना है वो हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है और ये हमारे डिजिटल पोर्ट्स हैं तो यहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं और वो है कि माइक्रो कंट्रोलर का जो पोर्ट डी है वो इस ज़ीरो टू सेवन के साथ कनेक्टेड है ये इसका इंटरनल सर्किट ऐसे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर में जो पोर्ट डी है वो यहाँ पे कनेक्टेड है ये क्यों ज़रूरत है तो हमें अभी एक एक पोर्ट पिन को ऑन या ऑफ नहीं करना है एक साथ में आठ पिन को ऑन करना है या आठ पिन को ऑफ करना है जो कि एल को ऑन ऑफ़ करेंगे तो हमें पैरल ऑपरेशन करना है सब पिन को साथ में एड्रेस करना है तो हमें पूरे पोर्ट के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारा जो डिजिटल राइट इंस्ट्रक्शन है वो किसी एक पोर्ट पिन पे एक बिट को लिखेगा लेकिन हमें आठ बिट को एक साथ में एड्रेस करना है तो इसलिए हमें पोर्ट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा तो यहाँ पे पोर्ट डी जो माइक्रो कंट्रोलर का है वो ये आठ पिन के साथ जुड़ा हुआ है कैसे जुड़ा हुआ है तो ये जो हमारे आठ पिन है इसके ऊपर ये पोर्ट हो गया पोर्ट डी और इसके ऊपर हम ये आठ आउटपुट है इसके या इनपुट भी कर सकते हैं और D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। तो ये जो हमारे आठ पिन है ज़ीरो टू सेवन डिजिटल पिन ज़ीरो टू सेवन दे आर एसोसिएटेड विथ पोर्ट डी ज़ीरो टू सेवन सो ये पिन जो है वो पोर्ट डी ज़ीरो तो हम जब भी ज़ीरो पिन को बात कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर के आर्डिनो के ज़ीरो पिन को बात कर रहे हैं तो हम पोर्ट D0 को एड्रेस कर रहे हैं वन पिन के साथ बात कर रहे हैं तो पोर्ट D1 को एड्रेस कर रहे हैं टू पिन के साथ बात कर रहे हैं तो पोर्ट D2 को एड्रेस कर रहे हैं वैसे ही सेवन्थ पिन के साथ बात कर रहे हैं तो पोर्ट D7 को एड्रेस कर रहे हैं तो ये एक आठ बिट का पोर्ट माइक्रो कंट्रोलर में अंदर से होता है जिसका सीधा कनेक्शन यहाँ पे आडिनो में होता है अब इस पोर्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आठ बिट है जिसका इंटरनल बस के साथ कनेक्शन है जैसा हमने देखा पोर्ट ज़ीरो को यानी पिन ज़ीरो को हम इनपुट या आउटपुट की तरह कॉन्फिगर कर सकते हैं पिन मोड लिख के तो पिन मोड ज़ीरो पिन इनपुट लिखेंगे तो डेटा यहाँ से अंदर जाएगा इंटरनल बस में और अगर आउटपुट लिखेंगे तो डेटा बाहर जाएगा तो इसलिए हमने ये डायरेक्शनल बस बनाया है तो कैसे पता चलता है कि इनपुट करना है या आउटपुट करना है तो हम पहले सेटअप में लिखते हैं पिन मोड जीरो इनपुट यानी हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये पिन को हम इनपुट की तरह यूज करेंगे वैसे ही हम लिखते हैं पोर्ट पिन मोड सेवन आउटपुट तो सेवंथ पिन आउटपुट की तरह काम करेगी तो ये होता है एक इंटरनल रजिस्टर के साथ जिसका नाम है डेटा डायरेक्शन रजिस्टर डी डी आर डी तो डी पोर्ट का ये डेटा डायरेक्शन रजिस्टर है जिसके आठ पिन है वो इस आठ पिन को कंट्रोल करेंगे तो ये जीरो पिन इसको कंट्रोल करेगा वन नंबर का पिन इसको कंट्रोल करेगा टू नंबर का पिन इसको कंट्रोल करेगा वैसे आठ पिन है तो आठों पिन जो है वो डेटा डायरेक्शन डिसाइड करेंगे आप इसको इंडिपेंडेंटली भी अलग अलग इनपुट या आउटपुट कर सकते हो किसी को इनपुट या किसी को आउटपुट कर सकते हो तो इसमें क्या लिखेंगे तो इनपुट होगा क्या लिखेंगे तो आउटपुट होगा तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि अगर हम वन लिखेंगे तो आउटपुट हो जाएगा और अगर हम ज़ीरो लिखेंगे तो इनपुट हो जाएगा तो हम जब पिन मोड करते हैं तो हम डेटा डायरेक्शन रजिस्टर में वन या ज़ीरो लिखते हैं तो ये एक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है इसको यूज़ करके हम एल डिस्प्ले को ड्राइव करेंगे तो आइए पहले देखते हैं कि इसको अर्डिनो के साथ एल डिस्प्ले को कैसे जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे एक अर्डिनो बोर्ड हमने दिखाया हुआ है जिसके साथ आपने सात आठ रेजिस्टेंस लगाए हैं जो कि ये हमारा जो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस है उसके साथ जोड़ा गया है और उसका कॉमन जो है वो ग्राउंड कर दिया है यानी कॉमन कैथोड टाइप का ये डिस्प्ले डिवाइस है तो इसका कॉमन ग्राउंड कर दिया तो जिस पिन को हम हाई करेंगे उस पिन का एल ई डी यहाँ पर जलेगा तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे लिखना है क्या लिखना है तो इसके लिए हम एक ऑनलाइन टूल का उपयोग करेंगे जिसका नाम है टिंकर कैट ये ऑटोडेस्क वालों ने फ्री फैसिलिटी दिया है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए और सब के लिए जो कि इसका उपयोग करके अलग अलग सर्किट को जोड़ के स्टडी करके समझ सकते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है आप लॉगिन कर लो लॉगिन कर लोगे तो आपको सीधा आपके डैशबोर्ड पे ये ले जाएगा डैशबोर्ड पे आपको अपने जो भी आपने अब तक काम किया है या कुछ नया काम करने वाले हो तो उसके बारे में फैसिलिटी मिलेगा तो आप लॉग इन करोगे तो आपको ऐसा एक डेस्कटॉप मिलेगा यहाँ पे हमें सर्किट्स डिज़ाइन करना है तो हम सर्किट्स में चले जाएंगे तो ये अपने सर्किट्स को लोड करेगा जो भी पहले हमने क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमारे काम की ये सर्किट हमने पहले से डेवलप करके रखी है ताकि इसको हम सीधा उपयोग कर सकें तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर का आर्डिनो वाला सर्किट है जो कि हमने टिंकर कैड में बनाया हुआ है तो जैसे मैंने बताया ये माइक्रो कंट्रोलर का पोर्ट डी जो है वो यहाँ पे ज़ीरो से सेवन तक कनेक्टेड है और उसके सातों पिन को आठों पिन को मैंने इस सेवन सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस से जोड़ दिया है और इसका जो कॉमन है वो ग्राउंड कर दिया यानी कॉमन कैथोड डिवाइस है यहाँ पे मैं वन करूँगा तो ए एलईडी ऑन होगा वैसे आठों के लिए आठ अलग अलग कलर भी मैंने यूज़ किए ताकि आपको ये पता चल जाए अब हम इसके कोड के बारे में समझते हैं तो ये इसका कोड है तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन है डी डी आर डी जो कि सेटअप में लिखना है जैसे हम पिन मोड लिखते हैं सेटअप में वैसे यहाँ पे भी सेटअप में हमें ये डी डी आर डी लिखना है और बी स्टैंड फॉर बाइनरी और सबको मैंने वन कर दिया यानी सबको मैंने आउटपुट कर दिया अगर वन है तो आउटपुट है ज़ीरो है तो इनपुट है तो सबको मैंने वन कर दिया तो ये सब जो पिन्स है पिन 0 टू पिन 7 ऑफ आरडीनो दे विल बिहेव एज आउटपुट पिन्स तो मैंने सब पिन्स को एक साथ में आउटपुट पिन्स बना दिया तो ये ये पैरेलल राइटिंग बोलते हैं इसको ठीक है और यहाँ पे लूप में आ जाए तो हमने पहला जो है वो पोर्ट डी इज इक्वल टू बाइनरी वन 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 जीरो ज़ीरो तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी सी डी ई एफ यहाँ तक सब जो एल ई डी है वो ऑन हो जाएगी और जी ऑफ हो जाएगी और डेसिमल पॉइंट ऑफ रहेगा तो डेसिमल पॉइंट ऑफ रहेगा और ए बी सी डी ई एफ ये सब ऑन होगी और ये जी ऑफ हो जाएगा तो ज़ीरो का पैटर्न डिस्प्ले होगा वैसे ही वन का पैटर्न डिस्प्ले होगा टू का पैटर्न डिस्प्ले होगा तो पहले जीरो डिस्प्ले किया फिर वन सेकंड का डिले फिर वन डिस्प्ले किया फिर वन सेकंड का डिले फिर टू डिस्प्ले किया फिर वन सेकंड का डिले फिर थ्री डिस्प्ले किया वन सेकंड का डिले फोर डिस्प्ले किया वैसे सब नंबर जीरो टू नाइन डिस्प्ले करके वन सेकंड का डिले करके ये फिर से लूप में घूमता रहेगा तो यहाँ पर डी सेटअप में जो कि डी का डायरेक्शन सेट करेंगे और बाकी सब पोर्ट पिंस पे हमने एक साथ में एक बिट पैटर्न लिखा जिसके हिसाब से नंबर डिस्प्ले होगा तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करके सिम्युलेट करते हैं तो जैसे ही सिम्युलेट करेंगे ये यूएसबी एस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा तो आप देखिए कि ये हमने सिमुलेशन शुरू कर दिया है यू कनेक्ट हो गया और यहाँ पे सब नंबर जो है वो एक के बाद एक डिस्प्ले होना शुरू हो गए तो हम देख सकते हैं कि आठ बिट आठ पोर्ट पिन का उपयोग करके हम एक एलईडी डिस्प्ले को ड्राइव कर सकते हैं तो इस हिसाब से अगर हमारे पास चार डिस्प्ले को ड्राइव करने का काम है तो हमें कितने पोर्ट पिन एट इंटू फोर थर्टी टू पोर्ट पिन हमारे पास इतने पोर्ट पिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए हमें अलग अलग टेक्निक का उपयोग करना होगा तो ये एक बेसिक फंडामेंटल आपको आइडिया मिला कि एलईडी डिस्प्ले कैसे शुरू हो जाता है अब हम इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम पोर्ट पिन का उपयोग करके हम एलईडी डिस्प्ले को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं तो फाइनली हम जब फाइनल हमारा एक प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम यही आठ पिन से चारों पोर्ट को चारों डिस्प्ले को डिस्प्ले करके दिखाएंगे ओनली बाय यूजिंग एट पिन तो आइए हम दूसरा एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए दूसरा सर्किट हमें लोड करना पड़ेगा तो टिंकर कैट के आइकॉन पे क्लिक कीजिए और फिर हम ये एक सर्किट को लोड करते हैं जिसमें हम बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस का उपयोग करेंगे तो हम बी सी डी कोड डिवाइस को देंगे वो इसको सेवन सेगमेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमारे एल ई डी को ड्राइव भी कर देगा यानि हमें यह बिट पैटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है हम सिर्फ बी सी डी नंबर देंगे चार बिट देंगे और ये चार बिट से ये जो डिवाइस है वो पूरा जो सेवन सेगमेंट का डिकोडिंग है वो करके डिस्प्ले को ड्राइव करेगा तो यहाँ पे हम चार बी सी डी नंबर्स देंगे एक दो तीन और चार चार बी सी डी नंबर्स किसको देंगे तो ये सी डी फोर फाइव वन वन ए आई सी को देंगे तो सी डी फोर फाइव वन वन जो है वो बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर ड्राइवर है तो ये हम जो भी बी सी डी नंबर यहाँ पे देंगे यानी जीरो से नौ के जो नंबर देंगे उसको वो डिकोड करेगा और अगर वन है तो कौन से एल ई ऑन करना है टू है तो कौन से एल ई ऑन करना है उसका पूरा लॉजिक इसमें रखा हुआ है ये एक एल चिप है तो उसको हम डिकोड करके फिर यहाँ पे सात रजिस्टर लगा दिए करंट लिमिटिंग और ये डिस्प्ले डिवाइस को ड्राइव करना है और यहाँ पे भी कॉमन कैथोड डिवाइस है तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है यहाँ पे हमारा प्रोग्राम भी ऑप्टिमाइज होता है हमारा हमको कोई बिट पैटर्न नहीं लिखना है सिर्फ पोर्ट डी को आउटपुट फॉर्मेट में करना है फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो टू नाइन पोर्ट डी इज इक्वल टू आई तो पोर्ट डी पे हम ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे नंबर्स डालेंगे और उसके बिट पैटर्न जो है वो यहाँ पे आएंगे तो इसके हिसाब से इसका डिकोडिंग होगा और इसका डिस्प्ले होगा और हर एक नंबर को डिस्प्ले करने के बाद हम एक सेकंड वेट करेंगे तो लेट अस स्टार्ट दिस सिमुलेशन तो वही काम ये अरेंजमेंट भी करता है इसमें हमने हार्डवेयर आड़, को ऐड किया सी डी फोर फाइव वन वन इट इज़ अ बी सी डी टू सेवन सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर ड्राइवर लेकिन ये एड करने से हमारे जो पोर्ट पिन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम हो गई तो हमें अब चार ही पिन चाहिए जिस जिसके उपयोग से हम ये एक डिस्प्ले को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं तो आज का टूटोरियल हम यहाँ पर समाप्त करेंगे लेकिन ये टूटोरियल आगे कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हमें चार डिस्प्ले डिवाइस एक साथ में जोड़ने हैं और उसको ऑपरेट करने हैं तो अगले ट्यूटोरियल में हम ऐसे मल्टीपल डिस्प्ले डिवाइसेस को कैसे जॉइन कर सकते हैं और हम लोगों ने कई मशीन्स ऐसे देंगे देखे होंगे जहाँ पे चार या आठ या सोलह डिस्प्ले डिवाइस लगे हुए हैं और वो कुछ ना कुछ नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में अगले ट्यूटोरियल में हम अभ्यास करेंगे तो आज के लिए इतना ही नमस्कार